के मोर्चे जान टकैत के हंझुआ ने पाई हूँ फिर अभी यूपी वालों की मूँह दिखा के जावे जी अभी एम एस पी के कानून बनाए तो बिना वापस जाने असी भगौड़े कहावे नहीं जाना चाहिए सानू जिन्ना चर कोई गल नहीं डटना चाहिए जिन्हें चोणा लड़निया लड़ लो पंजाब लड़ लो यूपी लड़ लो चोणा आ रही ने पर अंदोलन खत्म ना करो अंदोलन चलना चाहिए तो कमेटियां बन दी आई कमीशन बनते आए। नमस्कार, मैं वजह भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं भाई। लखा सिधाना टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचे हैं सर। राम राम जी। हाँ जी, राम राम राम। क्या कहना चाहेंगे, मोदी सरकार ने जो तीनों काले कानून रद्द करने का जो ऐलान किया है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखो ठीक है, तिने जे काले कानून है रद्द हो चुके हैं, कोई भीख नहीं असी ले अपना हक लिया। हक भी की असी हक हाले लैना, असी चाहते हैं जो मोदी ने थोपे सी के कानून काले वो वापस ले ले, पर एम एस पी के उत्ते जी जिन्ना चर कानून नहीं बनता सानू पिछे नहीं हटना चाहिए। जी बीजेपी के मंत्रियों का बड़ा बयान है, बबीता फोगाट ने भी लिखा है कि देश विरोधी ताकतों ने इस आंदोलन को हाईजैक करा था, इस वजह से हमने कृषि कानून वापस लिए हैं, ये किसानों के फायदे के लिए था, अभी भी वो ऐसा ही कह रहे हैं। देखो जरा जिड़े जिड़े जिन्हें खाने ही गोहा है जिन्हें पीने ही मूत है और दिमाग चो चीजा भरिया वो नहीं निकल सकदियां, पर असी ये कहने हैं कि असी किसान जिन्हें साड़ा संयुक्त मोर्चा उन्होंने कहना चाहते हैं लोगों को अपील करते हैं पंजाब हरियाणा ये ना हो कि कल सानू यूपी लानता पावे सानू महाराष्ट्र आए सानू बंगाल आए लानता पाउन कि तुस पंजाब ते हरियाणा अपना मसला हल करा के वापस चलिया गया पर साडे लई की करके गया। अंदोलन पूरे भारत का आपां कहा कि पूरे भारत का अंदोलन है, आपां कहा कि मोर्चे च जान टकैत दे हंझुआ ने पाई हुण फिर असीं यूपी वालों की मूँह दिखा के जावे जी एम एस पी के कानून बनाए तो बिना वापस जाने असीं भगौड़े कहावे नहीं जाना चाहिए सानू जिन्ना चर कोई गल नहीं डटना चाहिए जिन्हें चोणा लड़निया लड़ लो पंजाब लड़ लो यूपी लड़ लो चोणा आ रही ने पर अंदोलन खत्म ना करो अंदोलन चलना चाहिए तो कमेटियां बन दी आई कमीशन बनते आए अगे कोई हल निकलिया। गुरनाम सिंह चुनौनी का ऐलान आया कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे राजनीतिक पार्टी बना लड़ लो जिन्हें लड़ना लड़ लो राजेवाल साहब ने लड़ना चुनौनी साहब ने लड़ना जिन्हें मर्जी लड़ लो टकैत साहब ने लड़ना लड़ लो पर अंदोलन उन्ना चर खत्म नहीं होना चाहिए जिन्ना चर एम एस पी के उत्ते कानून नहीं बनता। एम एस पी मुद्दे पर डटे हैं किसान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कल ही बयान आया है कि कानून रद्द हो जाएंगे अब एम एस पी संभव नहीं है, वो कह रहे कि एम एस पी संभव नजर नहीं आ रही है। देखो ये एक मेरी गल का जवाब दो, ये कानून एक बारी वापस हो गए मुड़ के छे महीने साल में फिर ले आएंगे क्योंकि सरकार पूंजीपतियां दी कारपोरेट की सरकार है, जे एम एस पी कर कानून होगा कानून बन जूगा तो किसी कारपोरेट की जरूरत नहीं पैनी भी वह सरकार तो एक कानून दुबारे ले आवे, ये बहुत जरूरी है। असं ये गल तो जोर दें, देखो जी अज असी वापस चले गए बिना एम एस पी के कानून बनाए तो कल नूं दोबारा कोई अंदोलन खड़ा होया जिस तरह हुण लोग कट्ठे होए ने सारे धर्मां दे सारे भाईचारे सारे सूबियां दे दोबारा लोगों ने कट्ठे नहीं होना, रोज़ रोज़ नहीं लहरां बनदियां लोग कट्ठे होंदे संघर्ष दे लंबे अरसे बाद लोग जुड़े ने अज सानू पूरा हक जिहड़ा मिलना चाहिए हक लैके ही इत्थे उठना चाहिए। कृषि मंत्री का बड़ा बयान आया है जो उन्होंने कहा कि जो पराली का कानून है पराली जलाने से किसान को जो सजा का प्रावधान था वो ऐसा कहा आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कि वो रद्द कर दिया गया है। 20 कानून लेके आए हैं, कुछ पराली वाला भी सी बिजली वाला भी सी अच्छा और एक लेबर कोड लेके आए है। देखो कितना खतरनाक है कि जे किसी लेबर ने मजदूर ने हड़ताल करनी है पहला उन्होंने लिख के देना पऊ फैक्ट्री के मालक न भी मैं हड़ताल करनी है 3 महीने तो पहला ले 3 महीने का समा देना पेगा 3 महीने जो होर लेबर भाल लूगा मजदूर भाल लूगा उन्होंने कढ़ दूगा। ये कल्ले किसानों के खिलाफ या मजदूरों के खिलाफ नहीं है, सारे भारत के लोगों के खिलाफ कानून लियाणगे। इतने असी पिछे हटाया मोदी को रल के सारे लोगों ने हरियाणा यूपी पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश जिन्हें भी सूबे के लोग लड़े ने तो इस करके कहने भी इतने हम पिछे ही हटना चाहिए हूँ तो पूरा ऐन चंकी तरह दमा दब के जावे तो लोगों का यही अपील करते हैं भी यार हूँ इन्ने दिन भज जाओ भी कि रद्द हो गए रद्द हो गए। जे असी अं चाहते हैं पंजाब तो हरियाणा का एक ही हालात ने पानी साडा हेठा जा रहा झोने का चक्कर सारों निकलना पैना झोना कणक का चक्कर है 23 फसलों एम एस पी है जे उन्हों फसलों जिनमें कण गुबारा है मक्की है मूंगी है बाजरा है
ਨਰਮੈਕ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਦੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਐਂ ਮਾਰਿਆ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਆਪ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਏਕੇ ਦੀ ਸਿਰੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰਾਊਂਡ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਲਈ ਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ।